हेलो बंधुरा, कैसे हो आप लोग? होप आर गाइस सब लोग अच्छे ही होंगे और खुश होंगे। सो गाइस, मैं हूं आप लोगों के सामने सुदीप दास। आप लोग देख रहे हैं डिसेंट रोस्टर। सो गाइस, हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया और अलग वीडियो आ गया। सो गाइस, जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वो जो लाल कलर का बटन है ना, उसे मत कुछ भी करो, मतलब वो बटन दबा देना चाहिए, ठीक है? और उसका जो उसके अंदर जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन हर बार आपके फोन में मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द भाभी जी टीमर प्रैंक। हे गाइस, आई एम योगेश बघेल फ्रॉम फायर प्रैंक, और आग लगा दूंगा। सो मिस्टर योगेश जी, आप जो आग लगाने की जो सोच रहे हैं ना, ऐसा आपका जो सोचना बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। मैं उस आपके आग में पानी डालने के लिए सोच रहा हूँ। देखिए मैं आपकी कैसे धज्जियां उड़ाता हूँ इस वीडियो में। गाइस, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आज उनका पार्ट टू लेके आऊँ। आज सब फ्रेंड, ये जो अभी भी बोल रहे ना, मतलब योगेश जी जो अभी भी बोल रहे ना, यूट्यूब को कुछ कमाल के व्यूअर्स के बारे में बोल रहे हैं। जिस किसी ने इनकी वीडियो को इतना प्यार दिया, मतलब इतना प्यार दिया, उस वीडियो को उनका जो भाभी जी का प्रैंक था ना, उसको पार्ट टू लेकर आना पड़ा। कमाल है भाई, कैसे कैसे व्यूअर्स हो जाती है यहाँ पर। अरे इस बार में एक ताली बजे भाई। और मैं इनके जो व्यूअर्स है ना, इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को ये देखकर मजा आती है? कमाल करती है आप लोग। तो आप लोग प्रॉन देखिए ना, आप नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। आप लोगों को वो देखना चाहिए ना, वहां पर भाभी जी मम्मी जी कुछ भी मिल जाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप मतलब कि ना, मतलब आपको देख के ना, मतलब मेरे को ठंड लग रही थी, मैं गरम गरम सो रहा भाभी। लो फिर इनकी बकचोदी फिर से स्टार्ट होगी। गाइस, आप लोगों ने अभी भी सुना ना, ये क्या बोल रही थी? ये बोल रही थी इनको ठंड लग रहा था, पर अभी अभी जो भाभी जी को इन्होंने देख लिया ना, इनको गर्म महसूस हो रहा है। मतलब आप कैसे कर लेते हैं योगेश जी? आप मतलब कमाल के फीचर्स है आप में। क्या आपको भाभी जी हीटर नजर आ रहा है कि भाभी जी को देख लिया और गर्म हो गया? क्या कमाल करते, कुछ भी नहीं। तुमको ट्रिम करना ना कि कुछ हो करना है? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं भाई, कुछ और क्या होता है ऐसे बताओगे? कुछ और क्या होता है? तुम ना ज्यादा मत बोलो, ठीक है? ज्यादा मजे लेते हो तुम। सो फ्रेंड, आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतनी मतलब डीपली क्या सोच रहा हूँ? मैं यही सोच रहा हूँ कि योगेश जी तो बकचोदी कर रहा था, पर एक बात है कि भाभी जी उनसे मिला हुआ है, ठीक है? कमाल करते हैं आप भाभी। काम करो ना, अब मेरे अंडर आर्म्स के हेयर भाभी वो ट्रिम कर दो भाई। मैं नहीं करूंगी भाभी, प्लीज। योगेश जी, आपने तो भाभी जी की मुंह की बात छीन ली। सच में भाभी जी भी वही सोच रहे थे। लेट्स कर ले। आई शिखा जल्दी करो। सही में भाभी कर दोगे? भाई तो कर दूंगी, इसमें कर मन थोड़ा पड़ने है अब। ऑल द बेस्ट, लेट्स डू इट। जय माता जी, लेट्स डू इट। उतार लूं? चलो उतारता हूँ अभी। हाँ भाई, जल्दी कपड़ा वपड़ा जो पैंट वैंट वगैरह पड़ा है ना, उतार जल्दी भाई। तुझे तो कुछ शर्म मरम कुछ भी नहीं है। कितने ऐप्स हैं? क्या सोचेंगे लोग? अभी लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे भाई मजबूर आदमी। क्या भाभी जी, आप भी मतलब कुछ भी, लोगों की बात छोड़िए ना, लोगों की बात छोड़िए। लोग तो बस बातें बनाना जानते। आप खुलिए, आप करिए। आप जैसे शादीशुदा औरत को ना कंपल्सरी मंगलसूत्र पहनना चाहिए, ताकि लोगों को दिखाना चाहिए ना, आप जैसे शादीशुदा औरत किसी दूसरा लड़के का अंडर आर्म में ट्रिम कर रही है, वो भी खुला पार्क में। क्या बात है भाभी जी, आप तो कमाल करती है। इस बार में ताली हो जाए भाई इनके लिए। क्या रहा?
आप भी बना लो। मैं नहीं बना रही। भाभी मैं साफ कर देता हूँ ना। मैं नहीं कर रही, मेरी नहीं है। नहीं है भाभी आप। oh, no. आपकी जो सोच ना बहुत ही गंदा और गिरी हुई किस्म का है, ठीक है। और मेरे व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या आप लोग ऐसे सोच सकते हैं? योगेश जी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। भाभी करवा लो, करवा लो ना भाभी। अरे कर लो भाभी जी, क्या बात है, क्या दिक्कत आ रही है? बड़ा शौक है, तुम तो खुद को नहीं मतलब आप एक बार में बोल रही है कि आपका जो हस्बैंड है ना बहुत ही अच्छा है, तो सब तो फिर ये सब क्यों, क्या किस लिए है ये सब? क्लीन नहीं करते कितने हेयर्स, ओ माय गॉड, मैं तो कभी ना भाभी मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं भाभी आप अपना। और दूसरी बात, आप किसी दूसरे लड़के के साथ बैठकर पार्क में खुला बैठकर, ठीक है खुला बैठकर आप अंडर आर्म ट्रिम करा रही हो, क्या बात है भाई, बहुत ही जबरदस्त हो रहा है भाई। भाभी सॉरी ना, क्या है यार भाभी गिर, अच्छा गिर के गिरे तो मैं ऐसे कर देता हूं, बड़ा हरामी हो बेटा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम। भाई सुनो मैं आपके ये कर रहा हूं ना, अरे ऐसे कर देता हूं ना लो। वाह भाई क्या सीन है, भाई क्या सीन है, मतलब इस क्लिप में मैं क्या बताऊं भाई, जिसका सोच जैसा है ना उनका काम करने का तरीका भी ऐसा है। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। यार हाथ भाभी गुदगुदी तो नहीं बन रही? नहीं नहीं नहीं, हाथ में क्यों, और भी बहुत सारा जगह है, देखिए भाभी जी देखिए हाथ में क्यों, योगेश जी अभी दिखाई है बहुत सारा जगह है, वहां पर भी ट्रिम करिए। बेसरम आदमी कही, तो बड़े हॉट लग रहे हो। क्या भाभी आपको याद है मैंने पिछली बार डांस करा था? मुझे डांस नहीं याद। याद है नहीं है? नहीं गाइस, सो गाइस ये जो वीडियो है ना आप लोगों का किसी एंगल से ये लगता है प्रैंक वीडियो है। मैं योगेश जी से पूछना चाहता हूँ कि योगेश जी आपको कुछ मतलब आपको लड़की नहीं मिलती? और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। तुम कपड़े डालोगे? क्या तुम कपड़े नहीं डालोगे? क्यों भाभी जी इतना कर लिया, आपका मन नहीं है, आप लगता है भूल गई हो। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपके बहुत ही अच्छा हस्बैंड है। इन दोनों को ना चप्पल से मारना चाहिए, इनका हरकत देख कर लग रहा है ना चप्पल से मारना चाहिए। भाभी ठंड लग रही है ज्यादा। भाभी आप भी ऐसे, आप भी पल्लू हटाओ ना भाई, आप भी पल्लू हटाओ। तो भाई आप लोगों को कपड़ा उतारने का इतना ही शौक है तो आप घर से जाकर ये सब करिए ना, अंदर के दरवाजे हटा कर। हेलो क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं खाएगा कोई तुम्हें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी जरूर करना, इन दोनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा कमेंट आना चाहिए मुझे, ठीक है। तो गाइस सो गाइस मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, उसका नाम है sudipto das 429, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए। जय हिंद।